तो मेटल और नॉन मेटल में लेक्चर नंबर 2 में हम देखने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो एक तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें देखा जाता है कलर क्या है, ठीक है ना, डेंसिटी क्या है, ठीक है ना, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कि रिएक्शन कैसे कर रहा है। तो डिफरेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन को देखने वाले हम। तो सबसे पहले जो रिएक्शन देख रहे हैं कि रिएक्शन इन एयर। तो एयर में मेजर जो कंपोनेंट गैसेस होती है वो होती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कंपैरेटिवली नाइट्रोजन इज ए इनर्ट गैस, ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव गैस देन द नाइट्रोजन। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होती है, ठीक है। तो मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल हमने कॉपर मेटल लिया CU, इसको रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा दी, गर्म किया, तो ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बदल जाएगा CuO। और CuO का नाम हम लिख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड, इसके साथ ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, क्योंकि कॉपर यहां पे +2 स्टेट में होगा, ऑक्सीजन यहां -2 स्टेट में होगा, ठीक है। या फिर हम इसको जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉपर 2 फॉर्म में होता है, कॉपर +1 और कॉपर +2। जहां पे +1 आ जाएगा वहां क्यूप्रस लिख देंगे, और जहां +2 आ जाएगा वहां क्यूप्रिक लिख देंगे। ऐसे ही आयरन के बारे में बोलूं मैं, आयरन +2 और +3 में होता है, तो लोअर स्टेट इसकी फेरस और हायर स्टेट इसकी फेरिक। तो लोअर में अस लग जाएगा और हायर में इक लग जाएगा। तो कॉपर +1 में अस क्यूप्रस और कॉपर +2 में क्यूप्रिक, आयरन +2 में फेरस और उससे हायर में +3 में फेरिक। अब देखिए एल्यूमिनियम का भी एग्जांपल ले रहे हैं कि एल्यूमिनियम मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाते हैं Al2O3, ठीक है, और Al2O3 एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर। तो घरों में जो बर्तन हम देखते हैं कि अगर एल्यूमिनियम के बर्तन है तो काफी समय तक चमकदार बने रहते हैं, ठीक है। अब वो चमकदार कैसे बने रहते हैं कि एल्यूमिनियम जो बर्तन होता है इसमें जो मेटल होता है ये यहां पर क्या करता है कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Al2O3 जो है बना लेता है, ठीक है ना। ये इधर अंदर एल्यूमिनियम और बाहर जो है ये प्रोटेक्टिव लेयर Al2O3 की। अब Al2O3 की लेयर चढ़ जाने के बाद इसको समझ लीजिए कि कोटिंग लग गई बर्तन पे। तो एल्यूमिनियम वेसन में एक कोटिंग हो गई, नेचुरल कोटिंग Al2O3 की, और वो बनी कैसे है कि एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन से रिएक्शन की। इसलिए एल्यूमिनियम की लेयर इसको फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन से बचाती है, तो सारा एल्यूमिनियम जो बर्तन में है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो जो ऊपर सरफेस पे होता है वही कन्वर्ट होता है Al2O3 में। अब ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड दे आर बेसिक इन नेचर। बेसिक मतलब pH उसकी मोर देन 7 होगी अगर हम पानी में डिजोल्व करें तो। अब ऑक्साइड बेसिक कैसे, उसको कैसे पहचानते हैं कि जो भी ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन हम वाटर से करवा देते हैं। अब वाटर से कराने के बाद अगर ये यहां पे एसिड बनाता होगा तो एसिडिक ऑक्साइड कहलाएगा, और अगर बेस बनाता होगा तो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। तो कॉपर के साथ ये CuOH2 बना लेता है, सोडियम के साथ NaOH, कैल्शियम के साथ CuOH2। और इनकी खासियत क्या है कि ये OH- देते हैं, तो OH- देने वाला क्या कहलाएगा, बेस, ठीक। तो ये ऑक्साइड, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो कि एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। तो हम देखने जा रहे हैं एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड। एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड कौन है जो कि रिएक्शन कर सकते हैं बोथ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करने वाला क्या कहलाता है, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड। इसके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं Al2O3, BeO, ZnO, PbO, PbO2, SnO, SnO2। अब हमने कैसे पहचाना कि Al2O3 एम्फोटेरिक है, कि Al2O3 पर अगर हम HCl की रिएक्शन करवा दें एसिड की, तो ये बना लेता है AlCl3 प्लस वाटर। तो चूंकि रिएक्शन कर रहा है एसिड से, इसके बाद अगर मैं इसी कंपाउंड की रिएक्शन NaOH बेस से करा दूं, तो ये बेस से रिएक्शन करके NaAlO2 बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सिमिलरली अगर मैं जिंक लेता हूं ZnO, ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये एसिड से रिएक्शन करता है तो ZnCl2, और अगर NaOH से रिएक्शन करता है तो Na2ZnO2,
जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। तो ये सारे जो ऑक्साइड हैं ये याद करने हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, और ये सारे एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं। थ्योरेटिकली हमें पता नहीं चलता है, ये रिएक्शन से पता लगेगा कि ऑक्साइड एसिड में डिजोल्व होता है या नहीं होता है, एज वेल एज बेस में डिजोल्व होता है या नहीं होता है। तो एम्फोटेरिक वो है जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करने में सक्षम है। चलिए, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, इनसॉल्युबल इन वाटर, पर कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में एंड दे फॉर्म अल्कलीज। जैसे हम ऑलरेडी एग्जांपल ले चुके हैं कि जैसे Na2O है, Na2O वाटर में डिजोल्व होके NaOH बना लेता है, K2O वाटर में डिजोल्व होके KOH बना देता है। तो यदि ऐसा होता है कि रिएक्शन वाटर के साथ विग्रस हो, तेजी से हो, तो उस केस में ज्यादातर मेटल ऑक्साइड जो है डिजोल्व हो जाएंगे पानी में और उसके बाद ये कुछ ना कुछ एल्कली या इस तरह का कोई कंपाउंड बनाने वाले हैं, ठीक है। तो डिजोल्व हो रहे हैं वाटर में, इसका मतलब वो रिएक्शन कर रहे हैं वाटर से और उसके बाद वो बेस बना रहे हैं NaOH या KOH। जैसे Na2 और K2 का एग्जाम्पल लिया मैंने, ये दोनों बेसिक ऑक्साइड है। इनको बेसिक ऑक्साइड हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज एल्कली या बेसिक ऑक्साइड एक ही बात है, बेसिक ऑक्साइड या एल्कली। इनको बेसिक ऑक्साइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां से बेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, पोटेशियम और सोडियम मेटल पीरियोडिक टेबल में जो एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेटल जब वाटर में डिजोल्व किए जाते हैं तो तेजी से एल्कली या बेस प्रोड्यूस कर देते हैं। तो एल्कली मेटल एल्कली इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि पानी में ये बेस प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं, ठीक। अब एल्कली मेटल को यदि मैं ओपन एटमॉस्फेयर में रख दूं, ओपन एटमॉस्फेयर यानी कि ऑक्सीजन में रख दूं, ठीक है, तो ये अपने आप जल उठते हैं। तो इनकी जो रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ बहुत फास्ट है और विग्रेसली दे कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस, और इतनी तेजी से रिएक्शन होती है कि इट बर्न्स स्पॉन्टेनियसली, मीन्स इट कैचेस फायर इन ओपन एटमॉस्फेयर। तो यदि हम सोडियम के किसी टुकड़े को ओपन एयर में रख दें तो वो अपने आप आग पकड़ लेता है। सिमिलरली इट हैपन्स विद द पोटेशियम मेटल। पोटेशियम और सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल होने की वजह से ये आग पकड़ लेते हैं, इट बर्न्स स्पॉन्टेनियसली, और बर्न करेंगे तो इसका मतलब ये ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। जैसे सोडियम एक ऑक्साइड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ तुरंत Na2O2, ठीक है, और के पोटेशियम मेटल तुरंत ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना लेगा KO2। और अगर मैं इन ऑक्साइड्स को पानी में डालूंगा तो ये बेस प्रोड्यूस करेंगे, एल्कली प्रोड्यूस करेंगे, ठीक। सोडियम चूंकि आग पकड़ लेता है एटमॉस्फेयर में तो इसको हम खुला नहीं रख सकते, तो सोडियम को स्टोर किया जाता है, इट मस्ट बी केप्ट इन केरोसिन। केरोसिन में रखने पे क्या होगा कि इसका संपर्क वायु के साथ नहीं हो पाएगा, एटमॉस्फेयर की एयर के साथ संपर्क रुक जाएगा और ये बर्निंग से बच जाएगा। ओपन रख देंगे तो तुरंत आग पकड़ लेगा, ठीक है। अब कुछ मेटल ऐसे हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये मेटल ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे जो है एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड बना लेते हैं आसपास, और ये जो थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड है इट इज ए प्रोटेक्टिव लेयर, और ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या काम करती है, इट प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैंने जिस आदमी बताया कि एल्यूमिनियम एक ऑक्साइड बना लेता है Al2O3 और फिर ये फर्दर आगे रिएक्शन नहीं कर पाता है, इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तन कई दिनों तक चमकीले बने रहते हैं। तो ये सारे मेटल जो है अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं जिनसे इनका फर्दर ऑक्सीडेशन रुक जाता है बिकॉज ऑफ द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। कॉपर मेटल को अगर गर्म किया जाए, गर्म में ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CuO बनाता है ब्लैक कलर की लेयर, तो कॉपर के बर्तन कुछ दिनों बाद जो है ब्लैकिश होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ब्लैकिश इसलिए हो जाने लगते हैं कॉपर के बर्तन क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और ब्लैक लेयर उसमें फॉर्म कर लेते हैं। अरे हितेश, अगला जो फिनोमिना हम देख रहे हैं ये है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग मींस इट इज फॉर्मेशन ऑफ थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड बाय एल्यूमिनियम व्हेन एक्सपोज टू एयर। एयर मींस ऑक्सीजन गैस। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि एल्यूमिनियम मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और एक आसपास एक थिक लेयर प्रोटेक्शन के लिए फॉर्म करता है
जो कि मेटल को फर्दर कोरोजन से बचाती है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है तो इट फॉर्म Al2O3 कोटिंग, एंड ये कोटिंग क्या काम करती है, इट प्रिवेंट्स फर्दर कोरोजन ऑफ मेटल। तो बर्तन के आसपास क्या करता है, ये कोटिंग का काम करेगा और ये इसको फर्दर कोरोजन से रोक लेगा, ये एल्यूमिनियम और ये इसका प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये फर्दर अटैक करने से ये जो अंदर वाला मेटल है इट इज सेफ नाउ, बिकॉज अब ये ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पा रहा है क्योंकि इसके आसपास एक लेयर हमने बना दी है किसकी, Al2O3 की। अब एनोडाइजिंग जो अपन फिनोमिना यूज कर रहे हैं ये क्या होता है वो समझ रहे हैं। हमने एक चीज के बारे में जानकारी देखी थी, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है कि करंट इज पास्ड इन द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन भर दिया और करंट हमने पास किया तो ये करंट की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, प्लस और माइनस। माइनस सिरे से जुड़ी हुई प्लेट को कैथोड बोलते हैं और प्लस सिरे से जुड़ी हुई प्लेट को एनोड बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, एनोड की जगह पर हम एनोड प्लेट को रिप्लेस कर देते हैं एल्यूमिनियम की एक प्लेट से या बर्तन से या वेसल से। तो एल्यूमिनियम का कोई भी बर्तन हो या वेसल हो उसको हम यहां पे एनोड पर रख देंगे और इसमें सॉल्यूशन भर देंगे डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 भरकर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर रिएक्शन होगी, उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे स्टार्ट होगा तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एनोड पर। तो एनोड पे क्या होगा कि वाटर जो है वो एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगा और वाटर ऑक्सीजन में बदल जाएगा, H+ देगा आयन साथ में और इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो वाटर क्या करता है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है, कहां पर, यहां पर। तो जो वाटर इसमें पड़ा हुआ है ये यहां पर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करने लग जाएगा और जो ऑक्सीजन रिलीज होगी वो तुरंत एल्यूमिनियम के बर्तन से या वेसल से रिएक्शन करने लग जाएगी और Al2O3 की एक थिक लेयर बना देगी। और ये थिक लेयर बनने के कारण यहां पे एक प्रोटेक्टिव थिक लेयर बन जाएगी और ये बर्तन जो है एक अट्रैक्टिव फिनिश ले लेगा, तो चमकदार हो जाएगा और बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम के बर्तनों को चमकदार बनाने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है एनोडाइजिंग। ठीक है, अगर हम सोडियम और मेटल, मैग्नीशियम मेटल को कंपेयर करें तो सोडियम एयर में तुरंत जल उठता है स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, मैग्नीशियम भी जलता है और ऑक्साइड बनाता है लेकिन सोडियम की जो रिएक्शन है वो ज्यादा फास्ट होती है। तो सोडियम बर्न्स स्पॉन्टेनियसली, सो इट इज मोर रिएक्टिव। हम मेटल की रिएक्शन देख रहे हैं वाटर के साथ, तो ज्यादातर मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और मेटल ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। जो मेटल ऑक्साइड बनता है अगर उसकी वाटर से रिएक्शन करा दी जाए तो ये बेस प्रोड्यूस कर देता है, नॉर्मली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड। इसके एग्जांपल देखेंगे तो क्या हो रहा है कि मेटल प्लस वाटर, पहले बना मेटल ऑक्साइड और उसके बाद साथ में हाइड्रोजन गैस निकली, और अगर मेटल ऑक्साइड को वाटर फर्दर मिल जाए तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है मेटल हाइड्रोक्साइड में। ठीक, ये हम देखते हैं रिएक्शंस।